का काम हो रहा है, इसलिए उत्पाद विभाग को दी गई है ना, क्या दी गई? निर्माण हो रहा है कैसे हो रहा है? जी, कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये खुशी की बात है कि अभी तक झारखंड में ये भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि ये तीसरा सप्ताह में खतरा जाता है और हम लोगों ने डिमांड बहुत से कंपनियों को भेजा, सरकार को लिखा, जिला प्रशासन को लिखा, सैनिटाइजर की व्यवस्था मार्केट में नहीं हो पा रही थी, और जितने भी हाई रिस्क लोग हैं, चाहे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी या सभी पुलिस पदाधिकारीगण और भी नागरिकगण, तो उनके सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने विभाग को लिखा कि सैनिटाइजर नहीं आ रहा है। और जो मार्केट में है वो ब्लैक मार्केटिंग के सामानों से या तो कुछ डबल रेट बता रहे थे और इतना मात्रा में देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो हम लोगों ने पहल की, तो हमारे जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनके द्वारा भी लेटर निर्गत हुआ कि नोवल कोरोना वायरस जो है इसके लिए आप जिला स्तर पर इसको पहल करें, और जिसका फॉर्मुलेशन भी हमें दिया गया, ये फॉर्मुलेशन है मेरा, हमारे स्वास्थ्य सचिव महोदय का है। तो हम लोगों ने पहल की और काफ़ी कानूनी प्रक्रिया से हम लोग गुजरना पड़ा, हमें एसिसिड कमिश्नर उत्पाद से कॉन्टेक्ट करना पड़ा, फिर उपायुक्त महोदय से परमिशन लेनी पड़ी, फिर उपायुक्त महोदय ने आदेश दिया तो धनबाद में आया और वहाँ पर जो कानूनी रूप से जो प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमारे पास आया। फिर यहाँ पे उपायुक्त महोदय द्वारा एक बनाया गया, इनका लेटर नंबर जो है 1009, इसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जो हमारे प्रशिक्षु IAS हैं, सहायक समाहर्ता श्रीमती समीरा, और एक कमेटी बनाई गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर उत्पाद, औषधि निरीक्षक, रेड क्रॉस सेक्रेटरी, सिविल सर्जन और बायोकेमिस्ट्री के लोग को जोड़ने का हमको अनुरोध किया, तो उनको भी मेडिकल द्वारा दिया गया। तो जो भी विधि है सबके उपस्थिति में इसे निर्माण किया गया, और ये आपको हमें सूचित करने में काफ़ी खुशी हो रही है, सारे जिला प्रशासन DC स्तर से लेकर पुलिस पदाधिकारी तक सिग्नेचर का वितरण किया जा चुका है।